सो ये गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हैं मनी कैश ऐप के बारे में कि मनी कैश ऐप है क्या और ये क्या किस तरीके से फ्रॉड कर रहा है, और अगर हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमें पैसे के लिए धमकियां दी जा रही है कि पैसे रिफंड करो, रिटर्न करो, वरना आपके साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। अगर आप इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो दोस्तों, इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। मनी कैश ऐप एक ऐसी ऐप है दोस्तों जो कि प्ले स्टोर पर आपको डाउनलोड करने का मिल जाएगा, और वहाँ पर ये ऐप जो है ये दावा करेगी कि आपको जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और आप जैसे ही अपनी डिटेल्स वगैरह उस ऐप में फिल कर देते हो, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल्स, ये डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पर लोन अमाउंट दिखा दिया जाता है कि 1-2 लाख रुपये को लोन मिल जाएगा, और आपको प्रोसेसिंग फीस जो है इतना देना है, 1,000-3,000 रुपये देना है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों उसमें जो है प्रोसेसिंग फीस अपना पे कर देते हैं, और जिसके बाद उनके साथ जो है फ्रॉड हो जाता है। जैसे ही वो लोग प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, उसके बाद वहाँ पर जो है लोन अमाउंट पेंडिंग दिखा दिया जाता है, और उनके अकाउंट में वो पैसा आता ही नहीं है, ना उनका कोई कस्टमर केयर सपोर्ट है, ना कुछ है, आपके पैसे डूब चुके हैं। और यही मनी कैश ऐप दोस्तों एक और तरीके से फ्रॉड कर रहा है। आपके व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आएगा आपको कि भाई तुमने लोन का पेमेंट जो है अभी तक नहीं किया, आप जल्दी से लोन का पेमेंट कर दीजिए, वरना आपके घर पर हम पुलिस लेकर के आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, ऐसे करके मैसेज आएगा आपको। जिस मैसेज को देखने के बाद बहुत सारे लोग डर जा रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, मतलब मैंने कभी लोन लिया ही नहीं है, मैं तो इस ऐप के बारे में जानता तक नहीं हूँ, और ऐसे से व्हाट्सअप मैसेज आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो अगर आप ऐसा ही घबरा रहे हैं दोस्तों, तो आप घबराइए मत। आपको जो है डायरेक्टली दो ही काम करना है अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप चाहें तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो भी है वहाँ जाइए, और इस ऐप के खिलाफ जो है FIR कर दीजिए कि ये ऐप से मुझे जो है इस नंबर से जो है मुझे एक धमकी मिल रहा है कि आपके घर में मैं ये कर दूंगा, आकर के वो कर दूंगा। इस तरीके से आप चाहे उन्हें व्हाट्सअप मैसेज दिखाइए पुलिस वालों को, और FIR कर दीजिए उस ऐप के खिलाफ, क्योंकि आपने लोन तो लिया ही नहीं है ना, और आपको डायरेक्टली किसी अननोन बंदे ने ऐसे तरीके से धमकाया है, तो आप FIR कर सकते हैं दोस्तों, आप पुलिस भी आपकी सपोर्ट करेगी। और सेकंड जो सिचुएशन है दोस्तों वो ये है कि आप अगर ज़्यादा डर रहे हैं तो आप सीधे उस नंबर को ही ब्लॉक कर दीजिए, या फिर अपना नंबर ही चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये स्कैम दोस्तों उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने कभी लोन लिया ही नहीं है, और जो कि उस ऐप के बारे में जानते तक नहीं है, और उनके पास व्हाट्सअप पर मैसेज आ रहा है कि भाई तुमने लोन का पैसा जो अब तक भरा नहीं है, जल्दी से लोन का पैसा भर दो, वरना आपके घर पर मैं पुलिस लेकर के आ जाऊँगा, या आदमी लेकर के आ जाऊँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ऐसा ही धमकी अगर आपको भी सेम मिल रहा है तो बिल्कुल मत डरो, या तो जाके पुलिस की हेल्प ले लो, या फिर अपने ही से अपनी हेल्प करो, अपना उस नंबर को व्हाट्सअप से जो है ब्लॉक कर दो, या फिर अपना नंबर जो है चेंज कर लो, ठीक है। डरने की बात ही नहीं है, अगर आपने लोन लिया ही नहीं है तो कोई भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, सिंपल सी बात यह है। और अगर आपने लोन लिया है तो भाई आपको ऑब्वियसली जो है पेमेंट कर देना चाहिए, चाहे आपने किसी भी ऐप से लोन लिया हो। अगर आपने लोन लिया है, आपने आपको लोन मिला है, तो आप उसका पे ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने लोन लिया ही नहीं है, ज़बरदस्ती देने को बोला जा रहा है रीपेमेंट करने के लिए, आप उस ऐप के बारे में जानते तक नहीं है, तो ऐसे में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डरिए मत, बिल्कुल उसको ब्लॉक कीजिए, या फिर अपना नंबर वगैरह बंद कर लीजिए, या फिर पुलिस कंप्लेन कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है ऐसी स्कैम वाले ऐप्स के ऊपर।